अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम जो टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के मुतालिक वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि एनिमल जो है उसको किस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस किया जाता है और फिर ट्रांसजेनिक एनिमल जो है उसकी क्लोनिंग किस तरह से जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो इसके लिए सर्टेन टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हैं, लाइक जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास टेक्निक जो है वो एक टेक्निक है माइक्रो इंजेक्शन की और एक है वर्टेक्स मेथड। इसमें जो हाईली जो समझा जाता है कंसिडरेबल वो है वर्टेक्स मेथड। माइक्रो इंजेक्शन जो है वो तो हम हैंड के ज़रिए भी जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जबकि वर्टेक्स मेथड जो है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो एग रिक्वायर्ड होता है, एग हमारे पास जो हमने डोनर एग लिया इसको हम एक एगिटेटर में प्लेस करते हैं, एगिटेटर में प्लेस करते हैं किसके साथ, अलोंग विद डीएनए, यानी डीएनए को और एग को कहाँ पे प्लेस करते हैं, एक एगिटेटर में, ठीक है। और साथ इस एगिटेटर में हम क्या डालते हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स, ठीक है। ये सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स क्या करती हैं कि एग के अंदर इस तरह से जो एग की ये मेम्ब्रेन है इसमें इस तरह से ये होल्स क्रिएट कर देती हैं। जब इसमें ये होल्स क्रिएट हो जाते हैं तो ये जो डीएनए होता है ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरह से फिर जब डीएनए इंसर्ट हो जाता है तो जब इसके आगे फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमें न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेंड होती हैं। तो ये हमारा जो है ये मेथड कहलाता है वर्टेक्स मेथड, जबकि माइक्रो इंजेक्शन जो है वो इससे डिफरेंट है, उसको हम हैंड के ज़रिए भी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक एगिटेटर का जिसमें हम एग को प्लेस करते हैं और साथ डीएनए, और क्या होता है हमारे पास इसमें सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स। सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स क्या करती हैं कि एग के अंदर होल्स क्रिएट करती हैं, टिनी होल्स, जिसके ज़रिए ये डीएनए जो है होल्स के ज़रिए सेल में एंटर हो जाता है, एग में एंटर हो जाता है, और फिर फर्दर उसकी जब फर्टिलाइजेशन होती है तो हमें न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्टेंड होती हैं। और ये हमारा जो है ये क्या होता है, डिज़ायर्ड डीएनए होता है जो हमें, जिससे हमने आगे प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड करवानी होती हैं, लेनी होती हैं। इससे बहुत से ऐसी यानी कि टेक्निक्स हैं, जैसे कि Using this technique, many types of animals' eggs have taken up the gene for bovine growth hormone. Bovine growth hormone जो है वो होता है milk production के लिए। The procedure has been used to produce larger fish, cows, pigs, rabbits and sheep. Genetically engineered fish are now being kept in ponds that offer no escape to the wild because there is much concern that they will upset or destroy natural ecosystem. इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जैसे फार्म एनिमल्स हैं, तो साइंटिस्ट जो हैं वो फार्म एनिमल्स के ज़रिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उसको ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं जीन फार्मिंग का। तो जीन फार्मिंग में ये होता है कि हम जो फार्म एनिमल होता है उसके अंदर डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट करते हैं और फिर उसका जो मिल्क है, लाइक जैसे गोट्स वगैरह है, काउज वगैरह, तो इनका जो मिल्क फिर ये सीक्रेट करती हैं तो उसमें हमें वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेंड हो जाती हैं। और इस तरह हमने बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेंड की हैं, लाइक एंटी, ये हमारे पास जो है एंटीथ्रोमिन 3 है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है हमारे पास, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ के लिए भी, लाइक जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कैंसर वगैरह, ब्लड डिजीज़, तो इनके लिए जो है ये हम जीन फार्मिंग करके जिसमें हम यूज़ करते हैं एक हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका, ठीक है, फार्म एनिमल जो होता है उसमें डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट करते हैं और जब वो मिल्क सीक्रेट करता है तो उसके उस मिल्क में जो हमें प्रोडक्ट है वो ऑब्टेंड हो जाती है, लाइक प्रोटीन्स हैं या कोई भी सब्सटेंसेस हैं। तो इस तरह से फिर फर्दर हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक ट्रांसजेनिक एनिमल जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर किस तरह से उसको जो है वो क्लोन कर सकते हैं, उसकी क्लोनिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लोनिंग होती है ये एसेक्सुअल मोड होता है रिप्रोडक्शन का, जिसमें सिर्फ वन सेल जो है वही इन्वॉल्व होता है, इसमें टू सेल्स इन्वॉल्व ही होते हैं, जिसकी वजह से ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो समझा जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल जो है उसको प्रोड्यूस किस तरह किया जाता है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये डीएनए मौजूद है, ठीक है, और ये इसमें से हमने ले लिया एक जीन, ये जीन किसका था, ह्यूमन जीन, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है मौजूद है गॉट, ठीक है, और गॉट जो है इसमें से हमने लिया एग, इसका एग लिया हमने, ठीक है, एग में न्यूक्लियस मौजूद होगा। अब ये जो हमने ह्यूमन जीन लिया है इसको हमने इंसर्ट कर दिया किसके अंदर,
इसके अंदर, क्लियर। और देन आगे फर्दर जब इसकी होस्ट में जाकर जो है इसकी रिप्रोडक्शन होगी इसके अंदर ही, ठीक है, इस ह्यूमन जीन की, ये इसके अंदर ही जो है आगे यानी रेप्लिकेट करता हुआ यानी कि अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये प्रोसेस जो है ये हो रहा होगा होस्ट में, ठीक है। और फर्दर हमारे पास जो है वो फिर ऑब्टेंड होगी आगे फर्दर ट्रांसजेनिक गोट, ट्रांसजेनिक गोट। और वो जो ट्रांसजेनिक गोट होगी जब वो मिल्क सिक्रीट करेगी तो उसके मिल्क में हमें वो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जो कि किसकी होंगी, ह्यूमन जीन की, ठीक है। क्योंकि हम ह्यूमन जीन को इंसर्ट करके उसी तरह की न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है एक प्रोसेस होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस करने का। अब अगर ये जो ट्रांसजेनिक गोट प्रोड्यूस हुई हमारे पास, अब हमने इसी की क्लोनिंग करनी हो तो उसके लिए क्या मेथड यूज़ होता है, अब उसे देखते हैं। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांसजेनिक गोट जो है वो प्रोड्यूस हो चुकी है, ट्रांसजेनिक गोट, जी हम बात करें क्लोनिंग की जो कि है एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे कि जो गोट है इसका लेंगे एग, ठीक है। लाइक जैसे कि हम हमारे पास फिगर्स भी गिवन हैं, तो इसका हम लेंगे इस तरह से एग्स और ये होंगे 2n स्ट्रक्चर होगा क्योंकि डिप्लॉयड है। अब हम क्या करेंगे कि एक हम जो है हमने ये एग जो लिए हमने लिए किससे, ट्रांसजेनिक गोट से। ये हमारे पास एग आ गए किसके, ट्रांसजेनिक गोट के अंदर उनके न्यूक्लियस मौजूद हैं, क्लियर। एक हम लेंगे डोनर, डोनर गोट, ठीक है। डोनर गोट से हम क्या लेंगे, एग लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो हमने लिया, ये प्रोसेस जो हमने अब हम जो है परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसका हमने अंदर से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, ठीक है। यानी ये जो गॉड थी ये तो थी ट्रांसजेनिक गॉड जो हमने प्रोड्यूस कर ली, ये हम वो ले रहे हैं जिसका हमने सेल लिया, ठीक है, एग लिया, अंदर से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। अब इनके न्यूक्लियस जो है वो हम रिमूव करके इनके अंदर से इनके अंदर इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया और ये इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब जब ये होस्ट में इनकी डेवलपमेंट होगी तो आगे जितनी भी हमारे पास गोट्स प्रोड्यूस होंगी वो सारी की सारी कौन सी होंगी, ट्रांसजेनिक होंगी। तो ये हमारे पास मेथड होता है ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस करने का और फिर उसकी क्लोनिंग करने का, क्लियर। और हमें जो है प्रोडक्ट मिल्क में ऑब्टेंड होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ साइंटिस्ट जो थे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के, वो ये सोचते थे कि जो अगर हम बात करें मैमल्स की वही सिर्फ जो है वो मिल्क मेड होते हैं, तो उनमें अभी फीमेल ही जो है वो मिल्क मेड होती हैं, तो मेल्स जो हैं वो मिल्क क्रिएट नहीं करते। तो अब उन्होंने कहा कि एक तो ये वजह इसकी जिससे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम ऑब्टेंड होती हैं कि सिर्फ फीमेल जो हैं उन्हीं से हमें मिल्क मिलता है, मेल से नहीं मिलता। और दूसरी ये कि जो फीमेल होती है वो आफ्टर प्यूबर्टल एज ही जो है वो मिल्क क्रिएट करती है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें इसके बरक्स जो यूरिन है, यूरिन जो है वो चाइल्ड बर्थ पे ही जो है वो यूरिनेशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म करता है और ये दोनों में परफॉर्म होता है, बोथ इन मेल एंड इन फीमेल, जिसकी वजह से अगर हम यूरिन से ये प्रोडक्ट जो है वो लें तो हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट आएगी एज़ कम्पेयर टू मिल्क। तो इसलिए साइंटिस्ट ने फिर जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल्क की बजाय जो यूरिन है एनिमल्स का, उनसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेनी शुरू कर दी, कि जीन्स इंसर्ट करते थे और जो वो जब वो यूरिनेट करते थे तो उससे जो है वो आगे फर्दर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्टेंड हो जाती थी। तो ये कुछ इसका जनरल मेथड था और ये सारा मेथड ये परफॉर्म करवाया था जो स्कॉटलैंड है 1997 में स्कॉटलैंड में साइंटिस्ट रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको एक वर्ड मिलेगा क्यूमुलस सेल्स का। क्यूमुलस सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ओव्यूलेशन के पीरियड के बाद जो एग है उसको यानी कि उसके उसको कैरी करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं,
यानी कि ये जो हमारे पास ओरिजिनल सेल्स होते हैं लाइक एग्ज़ वगैरह, इसके बाहर जो है वो सराउंड कर जाते हैं ओवम के बाहर, ठीक है, और उसको कैरी करके ट्रांसफ़र करते हैं, ये इनका जो है वो काम होता है। तो ये हमने कुछ डिस्कस किए पॉइंट्स क्लोनिंग के हवाले से और किस तरह हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स और किस तरह से हम प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लिए। तो यही था हमारा एक ट्रांसजेनिक एनिमल्स का एक मेन टॉपिक छोटा सा जो हमारा यहाँ पर डिस्कस हो गया। ओके, थैंक्स।